Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine and doing well. Today, my topic is for class 12, relation between EMF and terminal potential difference of a cell. हमने इससे पहले पढ़ा था what do you mean by EMF and terminal potential difference और हमने पढ़ा था internal resistance of a cell. तो आज हम देखेंगे what is the relation between EMF E and terminal potential difference V of a cell. तो मैं एक सर्किट ड्रॉ करूंगा. सपोज हमारे पास एक सेल है, ये जो इसके इलेक्ट्रोड्स हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस और दिस इज द ईएमएफ ई. This is external resistance or capital R. यहां पर हम एक की को रखेंगे. This is key K. एक सेल मैंने ली जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R है और एक इसको कनेक्टेड इट इज कनेक्टेड टू एन EMF E और ये सेल जो है इट इज एक्सटर्नली कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, कैपिटल R. और यहां पर की एक है सच दैट वी कैन ओपन एंड क्लोज द सर्किट. हम जब बात करेंगे व्हेन द सर्किट इज ओपन, अगर मैं की को क्लोज नहीं करूंगा तो उस वक्त कोई करंट फ्लो नहीं करेगा इस सेल में. तो उस वक्त जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू होगा दैट इज ईएमएफ. मैंने पहले ही बताया था व्हेन नो करंट फ्लोज फ्रॉम अ सेल देन इट हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और वी कैन से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क हैज टू बी डन इन ऑर्डर टू मूव अ चार्ज और मूव एन इलेक्ट्रॉन. तो उस वक्त जो उसके पास होता है दैट इज नोन एज ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. व्हेन द सर्किट इज ओपन, तो मैं लिखूंगा व्हेन द सर्किट इज ओपन, व्हेन द सर्किट इज ओपन मींस कि हमने कनेक्शन नहीं दिया है, तब हमारे पास सिंस हमारे पास दो रेजिस्टेंस हैं कैपिटल आर और स्मॉल आर. दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल एंड दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. तो टोटल रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगी दैट विल बी आर प्लस आर. सिंपली टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा, आर प्लस आर सर्किट में, पूरे सर्किट में. तो जब सर्किट ओपन होगा हमारे पास जो करंट होगा किसके बराबर होगा, सिंस वी नो दैट वी इज इक्वल टू आई आर, ये हमारे पास ओम्स लॉ है. तो आई इज इक्वल टू वी बाय आर, सिंपल. तो जब वी की बात हम करेंगे सर्किट ओपन है तो वी की जगह क्या आएगा, आई इज इक्वल टू ई EMF divided by, अब और रेजिस्टेंस है लेकिन यहां पर दो रेजिस्टेंस है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बनेगा, आर प्लस आर. ठीक, मैं आर प्लस आर इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. तो आई किसके बराबर आएगा, ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर. तो यहां पर अगर हम ई का वैल्यू निकालेंगे ई इट बिकम्स आई आर प्लस आई स्मॉल आर, दोनों को मल्टीप्लाई करके इट बिकम्स आई आर प्लस आई आर. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, सिंपल. इन केस ऑफ ओपन सर्किट जो ईएमएफ का वैल्यू होगा इट बिकम्स आई आर प्लस आई आर. अगर मैं आप सर्किट को क्लोज करूंगा देयरफॉर करंट्स विल स्टार्ट मूविंग इनसाइड द सर्किट, तो उस वक्त जो हमारा ईएमएफ होगा, अब ये ईएमएफ नहीं रहेगा, इट बिकम्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. क्योंकि जब करंट फ्लो करेगा तब ईएमएफ किस में कन्वर्ट होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू, सिंस दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और एंड इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द इलेक्ट्रोड्स, विद द इलेक्ट्रोड्स, ये आप देख सकते हो इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द इलेक्ट्रोड्स. तो जो हमारा, मैं लिखूंगा और इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल. तो मैं लिख सकता हूं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू क्या आएगा, V इज इक्वल टू आई आर फ्रॉम ओम्स लॉ, वी नो दैट V इज इक्वल टू आई आर. दिस इक्वेशन सेकंड, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू ऑन द आई आर और ईएमएफ का वैल्यू आई आर प्लस आई आर. ठीक, तो इसको जब हम यूजिंग सेकंड इन फर्स्ट, हमारे पास E का वैल्यू क्या आएगा, E इज इक्वल
आई आर की जगह वी प्लस आई आर, और वी कैन सी वी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ई माइनस आई आर। ठीक, तो ये है रिलेशन बिटवीन ई एम एफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन सी दैट जो हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज लेस देन ई एम एफ, सिंस वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, तो V जो है इट इज लेस देन ई एम एफ। तो यही तो हम बात कर रहे थे कि ई एम एफ जो होता है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन, बिकॉज व्हेन ई एम एफ गोइंग, व्हेन वी टॉक अबाउट ई एम एफ, नो करंट हैज फ्लोन इनसाइड द सर्किट और फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दिस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस देन करंट हैज फ्लोन इनसाइड द सर्किट। तो वैल्यू ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा इट इज ऑलवेज लेस देन द ईएमएफ। दिस गिव्स द रिलेशन बिटवीन वी एंड ई, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, अगर आप यहां पर देखोगे, मैं यहां पर ही बात करूंगा, सिंस वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, व्हेन द सर्किट, अगर मैं सर्किट को ओपन रखूंगा, मीन्स यहां पर एक दो केसेस हम देखेंगे, ये आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया, इट्स अ सिंपल रिलेशन। तो मैं बात करूंगा फ्रॉम रिलेशन, सिंस वी हैव V इज इक्वल E माइनस आई आर। ठीक, तो यहां पर हम बात करेंगे, अगर मैं बोलूंगा सर्किट इज ओपन, तो करंट का वैल्यू क्या आएगा, व्हेन सर्किट इज ओपन I इज इक्वल टू जीरो, करंट का वैल्यू क्या आएगा, जीरो, बिकॉज इन ओपन सर्किट नो करंट फ्लो। तो V का वैल्यू जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, V इज इक्वल टू E। Therefore, when no current flows from inside the circuit, then terminal potential difference is equal to the EMF of the cell. This is the relation between EMF and terminal potential difference. Number first. Number second, यहाँ पर आप determine कर सकती हो value of internal resistance. तो मैं बात करूँगा how we can determine the value of internal resistance small r. पहले बात करेंगे फ्रॉम दिस रिलेशन यू कैन सी दैट फर्स्ट पार्ट वी इज ऑलवेज लेस देन ई मीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन ईएमएफ, एंड नंबर सेकंड व्हेन सर्किट इज ओपन नो करंट हैज फ्लो इनसाइड सर्किट देन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आर ऑलवेज इक्वल। मैं लिखूंगा नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ स्मॉल आर, इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे हम डिराइव कर सकते हैं, कैसे हम इसको निकाल सकते हैं। तो सेम मैं बात करूंगा सेम रिलेशन की, सिंस वी नो दैट आई जो है किसके बराबर है, ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर। ठीक, फ्रॉम ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर, तो वी किसके बराबर आएगा, आई की जगह ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर, तो इनटू आएगा आर, V is equal to IR, तो I की जगह ये मैंने लिखा और R, तो V is equal to E R divided by R plus R। ठीक, तो इसको ट्रांसपोज करके R plus R is equal to E R divided by V, तो मैं लिख सकता हूँ small R is equal to E divided by V, E divided by यहाँ पर भी R है और ये इसको माइनस हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा माइनस वन into R। This is the relation between, so this is the relation for internal resistance of a cell. Knowing the value of EMF, terminal potential difference, and external resistance, you can find the value of internal resistance of a cell. This is all about EMF, terminal potential difference, and internal resistance of. Thank you very much.